दरअसल पूरा मामला थाना मटसना के गांव बालचंद्रपुर का है, जहां किसी ने एडीएम को सूचना दी कि ट्रक में लोड करके सरकारी राशन का चावल ले जाया जा रहा है। तभी एडीएम अभिषेक सिंह ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में ले लिया। वहीं ट्रक में लोड सारा चावल उतरवा कर रखवा दिया और ट्रक को थाने में भेज दिया। वहीं बालचंद्रपुर में बने व्यापारी के गोदाम में माल रखवा कर उसे सील कर दिया गया है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष न्यूज, फिरोजाबाद। बालचंदपुर एक जगह है जहाँ पर थाना मटसना के अंदर, इसमें हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि ये गाड़ी में चावल के कुछ ट्रकों को लूट किया जा रहा है। उसकी सूचना पर एसडीएम सदर और एम्प्लॉय इंस्पेक्टर के द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई। उसके पश्चात नेतों को भी यहाँ बुलाया गया है और यहाँ पर जो अंदर गोदाम बना हुआ है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में चावल की बोरियाँ हैं और एक तक भी मौके से पाया गया जिसमें कि बोरियाँ लोड किया गया थी। तो सभी को अभी जो गाड़ी है उसको हम लोगों ने खाली कर दिया, किसी खींच कर दिया है और बाकी ये तो जो है वो गोदाम को सील करने की कार्रवाई कर रही है और बाकी इसमें जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी मेरी कार्रवाई करेंगे और इसमें किसी का भी ये पाया जाता है कि ये सरकारी चावल है या सरकारी राशन है तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी।